पछिल्का 5 महीना सँ नेपाल मे कोरोना संक्रमण के प्रभाव कायम अछि। लगातार संक्रमित के संख्या बढ़ रहल अछि। कोरोना सँ हरेक दिन मृतक के संख्या समेत बढ़त गेल अछि, जै के कारण सँ एक तरफ अस्पताल आ स्वास्थ्य कर्मी सब के ध्यान कोरोना के उपचार मे रहल अछि त अन्य रोग सँ ग्रसित व्यक्ति सब समय मे उपचार नै पौलाक कारण सँ मृत्युवरण कर बाध्य भेल अछि। विशेष कऽ बेसी दिन सँ रोग जकड़ने व्यक्ति सब सामान्य अवस्था जेहन एखन अस्पताल में उपचार कराब नै पाबि रहल अछि। वह अवस्था में किडनी के बिरामी सब समेत रहल अछि। ओहो में नियमित रूप से डायलिसिस कराब वाला बिरामी सब एखन और समस्या में पड़ल अछि। पछिलका समय में डायलिसिस कराब नै पौलाक कारण सँ किछ व्यक्ति सब मृत्युवरण समेत कर बाध्य भेल अछि। भादौ 3 गते धौसा के सबैला के 32 वर्षीय प्रमोद कुमार महतो प्रदेशिक अस्पताल में उपचार डायलिसिस कराब नै पौलाक कारण सँ मृत्युवरण कर पड़ल छल। विगत में काठमांडू में डायलिसिस कराबैत आयल बिरामी सब समेत एखन लॉकडाउन के कारण सँ स्थानीय स्तर में रहल डायलिसिस कराब वाला अस्पताल के खोजी में रहल अछि। प्रदेश 2 के बात करल जाय तँ एखन प्रदेश नंबर 2 में मात्र 3 टा सरकारी अस्पताल में डायलिसिस के सुविधा अछि। जनकपुर धाम स्थित प्रदेशिक अस्पताल में, सप्तरी स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में आ नारायणी अस्पताल में मात्र ई सुविधा रहल अछि। एक तरफ डायलिसिस करय वाला अस्पताल के कमी अछि त दोसर तरफ डायलिसिस मशीन के समेत कमी भेलाक कारण सँ बिरामी सब के भीड़ समेत बढ़ल अछि। एहि प्रदेश में सब सरकारी अस्पताल मिला जम्मा 15 टा मात्र डायलिसिस मशीन अछि, जखन बिरामी सब के संख्या 78 रहल अछि। एक बिरामी के अवस्था देख सप्ताह में 2 सँ 3 बेर डायलिसिस करय पड़ैत अछि, जैमे एक बेर डायलिसिस करोला पर 3 सँ 4 घंटा लगैत अछि। एहन अवस्था में एतेक गोटे डायलिसिस बिरामी सब रहला पर मात्र 17 टा मशीन केना के व्यवस्थापन करैत हैत से बुझ में अपना सबके कनिको कठिनाई नै होबक चाही। जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल के डॉक्टर जामुन प्रसाद सिंह एखन प्रादेशिक अस्पताल में 6 टा मात्र डायलिसिस मशीन चालू अवस्था में रहल आ 40 गोटे बिरामी क्यू में रहल बतबैत अछि। 40 गो पेशेंट वेटिंग है अखन, एकर नाम 41 नंबर में अबते आ 40ो पेशेंट के अगर डायलिसिस नहीं होते तो 3 दिन में मर जते, लेकिन वो 40ो कतौ न कतौ डायलिसिस करा रहल है जे वेटिंग लिस्ट में है कि जनकपुर में खाली हेतै तो हम लगेब। 41 नंबर होते इनका आ इहो कतौ न कतौ डायलिसिस करब दे जे हमरा खाली होते हम देतिए। 40ो पेशेंट आगे 3 दिन में डेथ कर देते अगर उनका डायलिसिस नहीं होते तो। तहिना बीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल के डायलिसिस विभाग के प्रमुख डॉक्टर नीरज सिंह एखन 6 टा मशीन संचालन में रहल बतौने अछि। वही 25 गोटे बिरामी सब डायलिसिस कराबे के लेल क्यू में रहल ओ जानकारी करौने अछि। एखन डायलिसिस मशीन हमर सब के 6 टा मशीन फंक्शन में छै, एकटा मशीन हम सब रिजर्व में रखने छी आ एकटा मशीन अभी डिग रहल अवस्था में। डायलिसिस के लेल क्यू में एखन करीब 20-25 टा बिरामी क्यू में छै। अभी हम सब 2 शिफ्ट करके अभी कोविड सिचुएशन भरा के चलते 2 शिफ्ट करके अभी हम सब 1 हफ्ता में तकरीबन 40% के डायलिसिस करी। तहिना क सप्तरी के राजबिराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल के सीनियर अहेब मनोज कुमार देव अस्पताल में 5 टा डायलिसिस मशीन रहलो पर दक्ष कर्मचारी के अभाव भेलाक कारण सँ बिरामी सब के उपचार में समस्या भेल बतौने अछि। ओ एखन 13 गोटे बिरामी क्यू में रहल बतौने अछि। 5 गोटा मशीन बढ़िया से काज कर रहा है, 2 टा मशीन ऑफ एंड ऑन मतलब कुछ प्रॉब्लम सब से लेकिन समाधान करे काम हो ग्राम के सब अत्यधिक से एखने जैसे से वेटिंग में लगभग लगभग 12-13 जना से वेटिंग में जेकर जे शेड्यूल करा रहा है ओके बाहर वेटिंग में जे अहाँ के 200-200 ठना करा रहा है एखन स्पेस भेटते तो आवे के लगी हमारे नंबरिंग सिस्टम वेटिंग में लगबे छे जे जना कोनो खाली हेतै तो ओकरा जे पहिलका नंबर हेतै ओकरा बुलाएल जेतै ओकर नंबर ओकर एड्रेस ओकर नाम सब लिस्ट। तहिना डायलिसिस के बात करल जाए तो डायलिसिस एक रक्त शोधन कृत्रिम प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया कोनो व्यक्ति के किडनी काम कर छोड़लाक बाद करल जाते है, जैमे समय में बिरामी के उपचार नहीं भेलाक बाद मृत्यु समेत भ सकैत अछि। ओना तो सरकार डायलिसिस निशुल्क रूप में करैत आयल अछि, मुदा मशीन आ जनशक्ति नहीं बढ़ोलाक कारण सँ बिरामी सब समय में आ सहज रूप में डायलिसिस कराब
नहीं पुलाक कारण सँ छटपटाया बाध्य भ रहल अछि। अपन टेलीविजन के लेल संतोष शर्मा के रिपोर्ट।